तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास टॉप 3 TWS है जो कि अंडर 1500 आपको मिल जाते हैं। नॉइस कॉम्बैट है, बोट एटम 83 है और दोस्तों बिंग्स फैंटम 760 है। तीनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, जैसे इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और दोस्तों कॉलिंग क्वालिटी। गेमिंग टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का आइडिया लग जाएगा इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। अब बात कर लेते हैं तीनों के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बिंग्स फैंटम 760 को देख लेते हैं। इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो केस फुली मैट फिनिश के साथ बना है, लेकिन दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक यूज किया वो अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं लग रहा है। बोट एटम 83 की बात करूं तो इसका डिजाइन भी मुझे काफी ठीक ठाक लगा है, ये भी केस इन्होंने फुली मैट फिनिश के साथ बनाया है। यहां पर आपको बोट की ब्रांडिंग दे रखी है और दोस्तों लाइट इंडिकेटर भी लगाया है। और दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसमें जो प्लास्टिक यूज किया वो मुझे डिसेंट टाइप का लग रहा है, ज्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। तो नॉइस कॉम्बैट की बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन भी मुझे काफी प्रीमियम टाइप का लगा है, और दोस्तों ये भी केस आपको फुली मैट फिनिश के साथ मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। तीनों को दोस्तों कंपेयर करूं तो सबसे अच्छा प्लास्टिक नॉइस कॉम्बैट में इन्होंने यूज किया है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिंग्स फैंटम को सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ठीक ठाक लगी है, लाइट वेट है और दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ इन्होंने बनाए इन बर्ड्स को, लेकिन दोस्तों इसका डिजाइन थोड़ा सा मुझे ऑड लगा है, बड़े ज्यादा हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बोट एटम 83 के बर्ड्स की बात करूं तो दोस्तों लाइट वेट काफी ज्यादा लगे हैं मुझे, और दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ बनाए, इसमें जो प्लास्टिक यूज किया काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। नॉइस कॉम्बैट की बर्ड्स की बात करूं तो दोस्तों ये भी मुझे थोड़े से ज्यादा बड़े बर्ड्स लगे हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपके कानों में दर्द वगैरह होने वाला है, तो दोस्तों आप इसे लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों प्लास्टिक तो काफी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज किया है, और दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ ये बर्ड्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों तीनों के बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेटर मुझे नॉइस कॉम्बैट लगा है। फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों तीनों को मैंने वर्कआउट के दौरान और रनिंग के टाइम यूज किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बोट एटम 83 के, तो दोस्तों इसकी फिटिंग मुझे एवरेज लगे, लेकिन दोस्तों कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगा है। और दोस्तों बिंग्स फैंटम 760 की बात करूं तो इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी है, अगर आप इसे वर्कआउट के दौरान या रनिंग के टाइम यूज करोगे तो आपको बार-बार फिक्स करने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों नॉइस कॉम्बैट की फिटिंग और कंफर्टेबल मुझे काफी ठीक लगे हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपको ना तो दर्द होगा और दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे। अगर आप इसे वर्कआउट के दौरान या रनिंग के टाइम यूज करोगे तो आपके ईयर से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो सभी में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों आपके डिवाइस से बहुत जल्दी से तीनों पेयर हो जाएंगे। गेमिंग की बात करूं तो बिंग्स फैंटम 760 में आपको 40 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड देखने को मिलता है, और दोस्तों वहीं पे आपको नॉइस कॉम्बैट में सेम लेटेंसी के साथ बर्ड्स आपको मिल रहे हैं 40 मिलीसेकंड, लेकिन दोस्तों बोट एटम 83 में आपको मिल जाता है 50 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो दोस्तों तीनों का गेमिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं। लेटेंसी टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इन तीनों में से आपको कौन सा गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों मुझे बिंग्स फैंटम 760 बेस्ट लगा है तीनों में। अब बैटरी बैकअप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नॉइस कॉम्बैट की बात कर रहे थे, नॉइस कॉम्बैट का जो केस है वो आपको 45 आवर का प्ले टाइम दे देगा, और दोस्तों इसके बर्ड्स आपको 7 आवर का प्ले टाइम दे देंगे। और दोस्तों बिंग्स फैंटम 760 की बात करूं तो दोस्तों इसका केस लगभग आपको 50 आवर का प्ले टाइम दे देगा और बर्ड्स आपको 10 घंटे का प्ले टाइम दे देंगे। और दोस्तों बोट एटम 83 की बात करूं तो इसका केस आपको 50 आवर का प्ले टाइम लगभग दे देगा
और दोस्तों बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स आपको 10 घंटे का प्ले टाइम दे देंगे। तीनों में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप बोट एटम 83 को 5 मिनट चार्ज करोगे तो वहां पे लगभग आपको दे देगा ये 1 घंटे का प्ले टाइम। और दोस्तों नॉइस कॉम्बैट में आपको इंस्टा चार्ज का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसे अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो यहां पे आपको 120 मिनट का प्ले टाइम दे देगा। और दोस्तों बिंग्स फैंटम में आपको बुलेट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सभी बर्ड्स आपको वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत बूंदें इस पे गिर जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आप इन सबको यूज कर रहे हो, स्वेटिंग वगैरह आपको होती है, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों रियल टाइम टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इन सब में कॉलिंग क्वालिटी किस तरीके की मिल रही है। हेलो हेलो, हाँ यार मैंने की एयरबड लिया है, ठीक है, नॉइस कॉम्बैट, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो युदा इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहा है? माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस। अच्छा, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। ओके थैंक यू। हाँ यार मेरे पास एक और ईयरबड है, इसका नाम है बोट एटम 83, तो इसकी बताओ इसकी किस तरीके की आवाज आ रही है आपके पास? ठीक आ रही है, सही वॉइस है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। अच्छा क्लियर है ना वॉइस में? हाँ क्लियर वॉइस है। अच्छा हेलो हेलो, अभी मेरे पास बिंग्स फैंटम 760 है, ठीक है, तो इसका बताओ इसका किस तरीके की आवाज आ रही है आपके पास? सही आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, क्लियर वॉइस है। ओके क्लियर है ना? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है बिल्कुल। कॉलिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि कॉलिंग के लिए आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों मुझे बोट एटम 83 बेस्ट लगा है कॉलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इससे मैंने डिफरेंट डिफरेंट गाने सुने, और दोस्तों बॉलीवुड गाने सुन रहा था, हिप हॉप गाने भी सुने, और दोस्तों कुछ क्लासिक म्यूजिक भी सुन रहा था। और दोस्तों मैंने इस सब को लगा के वीडियो वगैरह काफी वॉच किए हैं। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिंग्स फैंटम और नॉइस कॉम्बैट मुझे एवरेज लगे हैं, लेकिन दोस्तों बोट एटम 83 बेस्ट साउंड की क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है तीनों में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको फीचर वन बाय वन तीनों के अच्छे से समझाए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों म्यूजिक सुनने के लिए बोट एटम 83 बेस्ट रहने वाला है, और दोस्तों गेमिंग के लिए बिंग्स फैंटम 760 बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों यही था बोट एटम 83 बिंग्स फैंटम 760 और दोस्तों नॉइस कॉम्बैट का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।